तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आज हम लोग हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है गार्मिश-पार्टेनकिर्शन। वैसे तो हम लोग जाने वाले थे गिरनाव, पर यहाँ पर कुछ तो चल रहा है क्योंकि लोग जो है वो बहुत ही जो यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस है वो पहन के घूम रहे हैं और आज बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पर घुमाती हूँ और इसके बाद फिर हमें एक दो जगह और जाना है वो दिखाती हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है जर्मनी का, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हम चलो यहाँ की स्ट्रीट्स पे घूमते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर आज। लेट्स गो। तो हम थोड़ा ही चल के आए। ये जो पीछे आपको कॉफ़ी हाउस टाइप का है यहाँ पर, जो बेकरी वगैरह बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर नॉर्मली लोग जो हैं वो अपने ट्रेडिशनल कपड़े उसमें ही बैठे हुए हैं, और प्लस जो आइसक्रीम शॉप्स हैं उन सब में भी बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ है नहीं यहाँ पर, जस्ट लोग अपना इन्जॉय कर रहे हैं बिकॉज़ मौसम आज अच्छा है। तो लोगों ने सोचा चलो अपने अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन के निकलते हैं, और बहुत ही मज़ा आता हुआ, बहुत बढ़िया लगा। हाँ, लोग आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत खा रहे हैं, बहुत फैन है आइसक्रीम के। जहाँ जहाँ आइसक्रीम दुकानें होती हैं ना, वहाँ पर ये लोग जो है वो टूट पड़ते हैं एकदम। सब बंद है पर फिर भी भीड़। और यहाँ जगह जगह मिल रहे हैं सोवेनियर और जगह जगह मिल रही है आइसक्रीम। तुम क्या कुछ खाया था एक बार इस पे? नहीं, शायद नहीं खाया था। पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रीट जो है शॉपिंग स्ट्रीट है वो नई स्टार्ट हुई है। तो चलो वहाँ पर देखते हैं कुछ है या नहीं। और ऑफकोर्स ये माउंटेन टाउन है तो आपको हर जगह जो पहाड़ है वो दिखते रहेंगे। तो एक ये दुकान है जिसमें ये ट्रेडिशनल कपड़े दिख रहे हैं, सोचा चलो इसके प्राइस चेक करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला तो महंगे होते हैं पर कितने महंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है शॉर्ट, ये है 199 और वो भी ये शायद अभी डिस्काउंट पे है। और ये जो ड्रेस है, ये है ये वाली ड्रेस जो दिख रही है, ये है 249 डिस्काउंट पे है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो प्राइजेज हैं इन चीज़ों के जो है वो बहुत ही महंगे होते हैं। कुछ और इस टाइप के, तो जो गार्मिश-पार्टेनकिर्शन है ये सदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी में आता है, बायर्न स्टेट में है। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है, जो ये पर्टिकुलर टाउन है वो नियरेस्ट है जुगस्पिट्स, जो कि टॉप ऑफ जर्मनी है। तो आप यहाँ आओ एंड देन फिर उसके बाद जा सकते हो जुगस्पिट्स, जो टॉप ऑफ जर्मनी है, बिकॉज दिस इज़ द नियरेस्ट टाउन। यहाँ पर आप पूरे वाइब्स के इन्जॉय ले सकते हो, एक छोटे टाउन के इन्जॉय कर सकते हो, और फिर वहाँ पर जाके जो टॉप ऑफ जर्मनी है वहाँ से हाइएस्ट पीक ऊपर जाके बहुत अच्छा लगता है वो देख सकते हो। उसका भी वीडियो मैंने जो है वो अपने चैनल पर बनाया है, लिंक जो है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दूँगी, ज़रूर देखना। तो ये जो पर्टिकुलर टाउन है इसमें बहुत कुछ तो करने के लिए नहीं है, पर फिर भी आप एक आध दिन यहाँ पर रुक सकते हो। इसके बाद जो हम जाने वाले हैं वो गिरनाव है, जो कि विलेज है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर विलेज है। तो चलो वहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट लोकेशन पे जाने से पहले मैं आपको इस कैमरे के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि इंस्टेंट प्रिंटर कैमरा है। इसका नाम है कोडेक मिनी शॉर्ट 3 रेट्रो, और इसके साथ जो है वो 60 शीट्स जो है आती हैं, और प्लस ब्लूटूथ ऑप्शन अवेलेबल होता है। मतलब आप फ़ोन से फ़ोटो ट्रांसफ़र करके और इंस्टेंट फ़ोटो निकाल सकते हैं। अगर आपको वो नहीं करना तो आप डायरेक्ट फ़ोटो ले सकते हैं, जो कि मैंने कल लिया था। बहुत ही सही ऑप्शन है अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, तुरंत इंस्टेंट फ़ोटो चाहिए आपको अपनी मेमोरीज़ के लिए, तो इस तरीके के कैमरा बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में बताया जाए।
बाकी की चीज़ें अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सारे इसके फीचर्स डाल दूंगी, प्लस अगर आपको ख़रीदना है जर्मनी में या यूरोप में तो उसकी लिंक्स भी डाल दूंगी आपको, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। लोकल बेकरी पे आए हैं। दीपक क्या खा रहे हो तुम? दीपक वो खा रहा है और मैं खा रही हूँ केसे कोके। बस यार अभी थोड़ा चलते चलते ना थोड़ा ऐसा लग रहा है कुछ खाया जाए, तो अब हम लोग खा रहे हैं कुछ यहाँ का ऑथेंटिक केक्स जिसे कुकेन बोलते हैं यहाँ पर, तो आने दो फिर बताते हैं क्या है। और सुंदर सुंदर नजारों के साथ अगर गाना चल जाए तो मजा ही आ जाए। गार्मिश से गिरनाओ के रास्ते में आपको ये वाले व्यूज मिलेंगे, तो हम लोग कुछ वीडियोस शूट करने के लिए अंदर जा रहे हैं। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं गिरनाओ। ये एक विलेज है, बहुत ही खूबसूरत विलेज है, आपको देख के लग ही रहा होगा। इसे जुक्सपेत विलेज भी बोलते हैं क्योंकि जुक्सपेत मतलब जो यहाँ टॉप ऑफ जर्मनी वाले जो माउंटेन है उसके नज़ारे दिखते हैं, और पूरा विलेज जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। लोगों के लिए लोग हाइकिंग वगैरह करने के लिए यहाँ पर आते हैं, पर हम तो यहाँ वॉकिंग करने आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। पीछे जो है वो चर्च दिख रहा है, चर्च के ऊपर माउंटेन, मतलब ये कोई भी एक जो फेरी टाउन्स होते हैं ना उस टाइप के जो है वो फील दे रहा है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो ये सामने ही जुक्सपेत जो बानोफ है वो है, जो गार्मिश से चलती है ट्रेन, छोटी वाली ट्रेन, वो यहाँ तक आती है एंड देन उतरते से ही आपको मिलेंगे बहुत ही सुंदर व्यू। लोग यहाँ पर माउंटेन्स पर जाते हैं ऊपर और वहाँ से आते हैं, जैसे लोग दिख रहे होंगे ऊपर बहुत सारे लोग, तो आप हाइक भी कर सकते हो इफ यू वॉन्ट। और यहाँ कुछ ऐसे घर हैं बहुत सुंदर, गेस्ट हाउस है, तो आप रुक सकते हो, पर थोड़ा पहले से बुकिंग करनी होती है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट इट। बट सोचो इन गेस्ट हाउस में रुको और सुबह सुबह माउंटेन व्यू, ब्यूटीफुल। यहाँ ऐसे पीछे जो है कुछ छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, बियर गार्डन टाइप के, तो बहुत कुछ नहीं मिलेगा। इनकेस अगर दीपक कोई यहाँ रुकता है तो उनसे गार्मिश ही जाना पड़ेगा इंडियन खाना खाने के लिए। हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट गार्मिश में एक है। हाँ। बाकी गेस्ट हाउस है, यहाँ पर इनमें रेस्टोरेंट्स हैं। हाँ, बॉलीवुड करके है एक रेस्टोरेंट गार्मिश में, एंड देन पिज्जा हट एंड वो सारी जगह। तो यहाँ छोटी मोटी दुकानें हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, ऑल दो टूरिस्ट प्लेस है फिर भी बहुत कम दुकानें हैं। ये एक है बियर गार्डन यहाँ पर साइड में, पर यहाँ पर लोकल फूड ही मिलेगा और बियर और ड्रिंक्स वगैरह, प्लस बच्चों के लिए कुछ प्ले भी, बड़े भी खेल रहे हैं तो बस और ख़त्म है ना। तो ये इप्सी होटल है राइट लेक के सामने, तो लेक व्यू है पूरा, यहाँ रुक सकते हो। थोड़ा सा महंगा है, 250 यूरो के करीब, बट यू कैन स्टिल। तो अब हम पहुंच चुके हैं इप्सी, और ये पूरा राउंड जो आपको दिख रहा है वो भी है, वो देख सकते हो, प्लस यहाँ के भी व्यूज बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर लेक है। इस लेक की मेन खासियत ये है कि यहाँ पर डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन दिखते हैं एंड देन पहाड़ का व्यू, तो जो पिक्चर्स और वीडियोस हैं वो तो बहुत अच्छे आते ही हैं, प्लस आप यहाँ आके बैठ भी सकते हो जैसे यहाँ लोग बैठे हैं।
तो अब हम पहुंच चुके हैं आज की लास्ट डेस्टिनेशन में, जो कि है इप्सी। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है, पीछे दिख ही रहे होंगे आपको शिव जी साक्षात, मतलब ये जो है ये जुक्सपिट है जो ऊपर बादलों में दिख रहा है उसका व्यू, और देन लेक जो है वो है ही बहुत ही ब्यूटीफुल, पहले भी मैंने बताया है, बहुत ही सुंदर जगह है। और इसी के साथ हम लोग जाते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोडेक के जो मैंने बोली है वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है, यूज़ इट। अगर आप भी ऐसी लोकेशन पे आते हो तो आप अपने जो मेमोरीज हैं वो सेव करके रख सकते हो, वो भी तुरंत। So just do it.